हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू रितु एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करने वाले हैं एपीजी स्कूल रिक्रूटमेंट, एपीजी स्कूल की तरफ से जो वैकेंसीज निकल के आई हैं उनके बारे में। पीजीटी वैकेंसीज निकली हैं, टीजीटी निकली है, पीआरटी निकली है, स्केटिंग कोचेज हैं, फिजिकल एजुकेशन है और भी बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं। सैलरी जो है एपीजी स्कूल बहुत ही अट्रैक्टिव देता है, मतलब देर इज़ नो बार फॉर द डिजर्विंग कैंडिडेट्स। तो बहुत अच्छी सैलरी हो जाती है और अप्लाई करने के लिए आपको कोई फ़ीस नहीं सबमिट करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म की कोई फ़ीस नहीं है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डिटेल्स देख लेते हैं एक बार रिक्रूटमेंट की क्या है। तो डिटेल्स हमारी ऐसी है, एपीजी स्कूल, वो आपकी लोकेशन की बात करें तो कहाँ है आपका, पंचशील पार्क, एपीजी स्कूल रोड, शेख सराय, फेज़ 1, पंचशील पार्क, न्यू दिल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है आपको, स्कूल की वेबसाइट दी हुई है, स्कूल की मेल आईडी दी हुई है। आपको इसी मेल आईडी पे आपको क्या करना है, अपना रिज्यूम जो है डालना है, या फिर आपको क्या करना है इसके एड्रेस पे जाके, मतलब स्कूल विज़िट करके वहाँ आपको अपना रिज्यूम सबमिट करना है। तो आगे देख लेते हैं पोस्ट कौन कौन सी हैं। पीजीटी में निकली है आपकी फिजिक्स, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स। टीजीटी में निकली है आपकी मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, फिजिक्स की निकली है आपकी लीव वैकेंसी, मतलब कोई लीव पे जा रहा है फॉर 6 मंथ्स की आपको जॉब ऑफर हुई है। पीआरटी में निकली है इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन के लिए फीमेल कैंडिडेट को रिक्वायर मांगा गया है पीआरटी में। स्केटिंग इंस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट है, वेस्टर्न म्यूजिक एंड डांस की रिक्वायरमेंट है, तो डांस टीचर की भी रिक्वायरमेंट है। एप्लीकेंट्स मस्ट पोजेस मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज प्रिस्क्राइब बाय सीबीएसई। सीबीएसई से जो भी आपकी क्वालिफिकेशन नॉर्म्स होती हैं, जैसे आपका अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, साथ में अगर टैट अगर कोई क्लियर है तो वो प्रेफरेंस दी जाती है, सी टैट अगर होता है तो। इसी तरह से टीजीटी की बात करें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका, बीएड होना चाहिए और सी टैट आपका अगर क्लियर है तो प्रेफर किया जाएगा। पीआरटी में भी ग्रेजुएशन होता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, साथ में आपका बीएड भी हो तो अच्छा है, जेबीटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, डीएड होता तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है सैलरी इज नॉट अ कंस्ट्रेंट फॉर द डिजर्विंग कैंडिडेट्स। एप्लीकेशन विद डिटेल्ड रिज्यूम, आपका रिज्यूम में सब कुछ मेंशन होना चाहिए, साथ में रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, वो आपको 7 डेज के अंदर अंदर, मतलब जैसे कल ये वैकेंसी निकली ही थी तो मतलब नेक्स्ट वेंसडे तक आपको, लास्टली वेंसडे थर्सडे तक उनको ईमेल कर देना है, ठीक है, ऑन द अबव मेंशन एड्रेस और ईमेल। तो ये था आज की वैकेंसी के बारे में, एपीजी स्कूल से जो वैकेंसी निकली है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू एवरीवन।